बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि अगर किसी खातून ने अपनी जिंदगी में विरासत चैलेंज ना की हो तो उसके मरने के बाद उसके वारसान उसकी विरासत को चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बेसिकली हुआ ये कि कुछ दिन पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये इशू डिस्कस हुआ और उस दौरान उसके इंटरप्रिटेशन में एक जजमेंट ऐसी आई जिस जजमेंट के इंटरप्रिटेशन में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने गलती से मिस इंटरप्रेट करके इसको इस जजमेंट को वो इंटरप्रेट किया और इंप्रेशन ये गया कि शायद अगर कोई खातून विरासत में से अपने हिस्से को अपनी जिंदगी में क्लेम नहीं करती तो उसके वारसान उसे क्लेम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है, ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। बेसिकली उस केस में ये हुआ था कि अगर किसी शख्स ने किसी खातून या मर्द ने अपनी जिंदगी में कोई इंतकाल करवाया हो, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की हो म्यूटेशन के थ्रू, गिफ्ट के थ्रू या तमलीक के थ्रू, अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में ये ट्रांसफर कर दी और अपनी जिंदगी में उन्होंने इस इंतकाल को हिब्बे को या तमलीक को चैलेंज नहीं किया तो उनके मरने के बाद उनके वारसान इसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये बहुत पुराना लॉ है और इसी के मुताबिक होता है कि बेसिकली होता इस तरह था कि वारसान में से कोई एक वारिस वो अपने बहन भाइयों में से किसी एक को गिफ्ट कर देता था, वो म्यूटेशन मुकम्मल हो जाती थी और उसके बाद उसके मरने के बाद वारसान जब क्लेम करते थे तो उसमें ये होता था कि क्योंकि उसने अपने लाइफ टाइम में वो चैलेंज नहीं की होती थी तो उसके मरने के बाद वो चैलेंज नहीं कर सकते थे। अब इसमें लॉ बड़ा क्लियर है कि अगर किसी शख्स ने भी अपनी जिंदगी में कोई गिफ्ट कोई म्यूटेशन या तमलीक कराई हो और अपनी जिंदगी में उसने चैलेंज ना किया हो तो वो मरने के बाद उसके वारसान उस गिफ्ट को उस तमलीक को या उस म्यूटेशन को चैलेंज नहीं कर सकते। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ सब्जेक्ट है और बिल्कुल मुख्तलिफ प्रोपोजिशन है दूसरी प्रोपोजिशन से जो विरासत के में हिस्सा से मुतल्लिक है। इसमें यह है कि अगर कोई भी शख्स अपनी जिंदगी में किसी को म्यूटेशन करके देता है, वो चाहे गिफ्ट डीड के थ्रू हो, चाहे तमलीक के थ्रू हो या इवन सेल के थ्रू हो, वो देता है और वो उसके लिए अगर जिंदगी में वो समझता है कि उससे फ्रॉड कमिट हुआ है तो वो 6 साल का पीरियड आर्टिकल 120 लिमिटेशन एक्ट के तहत 6 साल के अंदर अंदर सूट फॉर डिक्लेरेशन करके कैंसिलेशन करके वो चैलेंज कर सकता है। कैंसिलेशन की लिमिट तो लिमिटेशन एक्ट में 3 साल है लेकिन डिक्लेरेशन की लिमिटेशन जो है वो 6 साल है। अब इसमें 2021 MLD 1937 लाहौर, 2021 MLD 1937 पेज है, लाहौर की जजमेंट है। इसमें बिल्कुल सेम प्रपोजिशन में ये कहा गया कि उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में म्यूटेशन कराने के बाद चैलेंज नहीं की तो बाद में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि क्योंकि अपनी जिंदगी में उन्होंने ये इस म्यूटेशन को चैलेंज नहीं किया था तो बाद में उनके वारसान इसको चैलेंज नहीं कर सकते। इसमें बेशुमार जजमेंट्स हैं जिनमें 2017 SCMR 468 है, 2016 SCMR 1403 है, 2013 SCMR 299 है, 2002 SCMR 1330 है और इसमें बेसिक जजमेंट जो है वो 1968 SCMR 213 है, 1968 SCMR 213 है। ये बेसिक जजमेंट है और ये केस लॉस हैं जो बेस करते हैं इस पे, इस प्रोपोजिशन को क्लियर करते हैं और इनमें इसी तरह की प्रोपोजिशंस हुई कि अपनी लाइफ टाइम में अगर चैलेंज नहीं की गई तो उनके मरने के बाद चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब इसमें दूसरी प्रोपोजिशन ये आती है, ये कहा जाता है कि अगर किसी खातून ने विरासत में उसको हिस्सा मिला, खातून या मर्द को विरासत में हिस्सा मिला और उसने रिवाज की वजह से या किसी वजह से अपनी लाइफ टाइम में वो हिस्सा क्लेम नहीं किया तो क्या वो हिस्सा उसके मरने के बाद उसके वारसान क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये बिल्कुल अलग प्रपोजिशन है, इसमें विरासत का हिस्सा है और ये राइट अक्रू हो जाता है जब विरासत तकसीम होती है, विरासत ओपन होती है, उस ओपन होते ही ये राइट उनका अक्रू हो जाता है और जब एक दफा राइट हो जाता है तो वो राइट खत्म नहीं होता। तो उसको अगर उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में विरासत में जो हिस्सा उन्हें मिला और उन्होंने विरासत में कोई खातून थी या मर था, उन्होंने विरासत में ये हिस्सा चैलेंज नहीं किया तो वो उनके मरने के बाद उनके वारसान उसमें उसी तरह हिस्सेदार होंगे और वो इसको भी क्लेम कर सकते हैं। इसमें 2014 MLD 1706 पिशावर है, 2014 MLD
1706 पेज है और पिशावर हाई कोर्ट की ये जजमेंट है, इसमें काफी क्लियर किया गया है इसमें कि अगर कोई खातून या मर्द उन्होंने अपना हिस्सा जो उनका विरासत में उनका हिस्सा बना उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में नहीं क्लेम किया, उसके बावजूद उनके वारसान उस हिस्से को क्लेम कर सकते हैं। तो ये दो अलग प्रपोजिशन है जिनमें एक तो प्रपोजिशन क्लियर है कि वो अगर उन्होंने कोई गिफ्ट डीड या तमलीक कर दी हो या म्यूटेशन अपनी जिंदगी में कराया हो, चाहे वो म्यूटेशन उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी से या अपने तरीके से करा दिया हो और उसको चैलेंज ना किया हो, तो उसके वारसान उसको चैलेंज नहीं कर सकते। और दूसरी जो सूरत हाल है उसमें यह है कि अगर तरीके में उनका हिस्सा बन गया और उन्होंने अपनी जिंदगी में वो तरीके में जैसे कि आपस में बहन भाइयों में तकसीम नहीं होती और वो ये सिलसिला सालों तक चलता रहता है, और हमारे यहाँ पंजाब में और केपीके में और पूरे पाकिस्तान में अमूमन ये होता है कि बहनें अपने भाइयों से ये हिस्सा क्लेम नहीं करती, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि उनका वो राइट खत्म हो जाता है। हाँ, इसमें ये अलग बात है कि बहनों ने अपनी जिंदगी में वो हिस्सा सरेंडर कर दिया हो, गिफ्ट कर दिया हो या सेल कर दिया हो वारसान में से किसी एक को या किसी भी अदर पर्सन को, तो फिर उनके वारसान क्लेम नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।